समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर साबिक मेयर मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और इस बार भी टिकट के मजबूत दावेदार डॉक्टर एस टी हसन ने सपा बसपा गठबंधन के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे पर इत्मीनान का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि शायद मार्च के पहले हफ्ते में टिकट का भी ऐलान हो जाएगा। डॉक्टर एस टी हसन 25 फरवरी की रात को हसन नर्सिंग होम फैजगंज मुरादाबाद में अपने चैम्बर में सिटी चैनल 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ सपा पार्षद सैयद असद कमाल भी मौजूद रहे। डॉक्टर साहब ने इस मौके पर गठबंधन में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ताओं से ये अपील भी की कि वे प्रत्याशी के नाम की घोषणा का इंतजार ना करें बल्कि अभी से ही अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट जाएं। डॉक्टर एस टी हसन ने कहा, ये बिल्कुल मुतमईन हूँ क्योंकि दोनों पार्टियों का बराबर का वर्चस्व है पूरे प्रदेश के अंदर और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने बहुत ही बड़े दिल का सबूत देते हुए ये बंटवारा कराया और अपनी ही एक सीट में आरएलडी को भी एडजस्ट कराया। उम्मीद तो यही की जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में या 10 तारीख तक टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा क्योंकि वक्त इतना बड़े चुनाव के लिए वक्त बहुत कम है। देखिए, मैं सारे ही कार्यकर्ताओं से अपनी पार्टी के और गठबंधन की पार्टियों के कार्यकर्ताओं से यही अपील करूँगा कि मौके की नज़ाकत को समझते हुए, देश के ऊपर आए हुए संकट को समझते हुए, झूठी जुमलेबाज धोखेबाज सरकार को जो जिसने हमेशा नफरतों की राजनीति करी, फासिस्ट ताकतों को अगर देश से हटाना है तो हमें बहुत ही संजीदगी से इस इलेक्शन के ऊपर ध्यान देते हुए एक साथ मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में उतर जाएं और इन तमाम ताकतों को जो हमारे देश के रहने वालों की सभ्यता को यहाँ की तहजीब को बर्बाद करना चाहती है उन्हें दफन कर। देखिए, गठबंधन तो फाइनल हो चुका है और टिकट का भी ऐलान होगा। पार्टी हाईकमांड जिसको भी टिकट देगी हम सबको उसको लड़ाना है। हम सबसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने अपने जगहों पे, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में निकल पड़ें और प्रचार शुरू करें, अपनी पार्टियों का भी प्रचार शुरू करें गठबंधन की, और जो कुछ हमने तकरीबन 5 साल में धोखे खाए हैं उसका भी प्रचार करना शुरू कर दें।